जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल 11 क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस की, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों यूट्यूब पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों, कंप्यूटर में काम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है। तो ये है दोस्तों फोरट्रान। क्या है? फोरट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी बेसिक, कोबॉल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहते हैं हाई लेवल। क्या कहते हैं? हाई लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर भाषा फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो ये दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट है आपका, डीवीडी किसका उदाहरण है दोस्तों। तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किसका? ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो ये दोस्तों हुआ है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। किसमें? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। तो दोस्तों क्या है? जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है दोस्तों? ये है जावा। नेक्स्ट है आपका, क्रे क्या है? क्रे एक क्या है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संबंध संक्षिप्त रूप से क्या है। तो ये दोस्तों यूपीएस। ठीक है, क्या है दोस्तों? यूपीएस। नेक्स्ट है आपका, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये होते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है दोस्तों 12। कीबोर्ड में फंक्शन की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है? 12 होती है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये है दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वालों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? बार कोड। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बार कोड, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे एंड और जैसे कोई भी आप सामान वगैरह मंगाते हैं उसमें जो बार कोड होता है उसको स्कैन करते हैं तो सीधे आपको डायरेक्ट लिंक पे पहुंचा देता है, जो उसकी मेन वेबसाइट होती है। नेक्स्ट है आपका, मॉड्यूलर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो ये है दोस्तों मॉडम। क्या है? मॉडम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है। तो ये है दोस्तों वर्कशीट का। किसका है? वर्कशीट का। एक्सेल वर्कशीट का क्या है? संग्रह है। नेक्स्ट है आपका, ओरेकल है। ओरेकल क्या है दोस्तों? ये है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है आपका, पास्कल है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा। क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा। नेक्स्ट है आपका, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। तो ये दोस्तों क्या? टर्मिनल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टर्मिनल। नेक्स्ट है आपका, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है फ्लैश। फ्लैश। नेक्स्ट है आपका, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। तो ये है दोस्तों प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईडीपी क्या है। ईडीपी का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आपका, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग हैं, ये है दोस्तों रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, कुछ वर्ड्स क्या हैं दोस्तों? रिजर्व हैं, जो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डाटाबेस। डाटाबेस। राइट आंसर आपका डाटाबेस। नेक्स्ट है आपका, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों ये फॉर्मेटिंग। क्या है? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है आपका, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है? अरपनेट। किसको? अरपनेट को। नेक्स्ट है आपका,
मदरबोर्ड में क्या है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ये बस सिस्टम बस। क्या है? सिस्टम बस। नेक्स्ट है आपका यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो किसमें लाई जाती है दोस्तों? वेब सर्वर्स में। किसमें? वेब सर्वर्स में यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग डिवाइस प्रणाली विशेष रूप से लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है तो ये क्या है दोस्तों? एक्सेल एस। क्या है? एक्सेल एस। नेक्स्ट है आपका रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। नेक्स्ट है आपका क्रिस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो ये होते हैं दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किसमें? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है आपका यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें क्या है? वायरस है। यदि आपका दोस्तों कंप्यूटर खुद रिबूट करता है तो इसका क्या मतलब है कि आपके फोन या कंप्यूटर में क्या है? वायरस है। नेक्स्ट है आपका उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो इस कंप्यूटर का जो दोस्तों नाम है वो है मेस। क्या नाम है? मेस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी एग्जाम में से पूछा गया है इसमें से। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे जो आने वाले अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्राम है तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, तो ये क्या है दोस्तों? फोरट्रान। फोरट्रान क्या है? सबसे विकसित भाषा है। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ये दोस्तों डॉस, DOC। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, ये क्या है? सी ब्रेन। क्या है? सी ब्रेन। नेक्स्ट है आपका वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जंक ईमेल को क्या कहते हैं? बताइए भाई जंक ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्पैम। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे? तो ये दोस्तों कैड का जो संबंध दोस्तों डिजाइन से। किससे? डिजाइन से। ALU का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों गूगल क्या है? तो गूगल क्या है दोस्तों? गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल एक क्या सर्च इंजन है, आप लोग जानते भी होंगे। गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करो तो आपको मिल जाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है वह क्या कहलाती है? वो होती है मशीनी भाषा। कैसी? मशीनी भाषा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस क्या कहलाता है? तो दोस्तों पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस माउस को कहते हैं। इसको माउस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिनक्स एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या एक उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? दोस्तों ट्रैक बॉल उदाहरण है आपका पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों सर्किट बोर्ड। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है आपका क्रिस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है, ये दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा स्ट्रोक से अक्षर क्या होता है? प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये दोस्तों करता है सिस्टम। सिस्टम क्या करता है बताइए भाई? सिस्टम करता है क्या? कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद हम लोग, अगर आप हमारे चैनल को टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, A1 स्टडी ग्रुप नाम से आपको मिलेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए ताकि हमारे जो आने वाले अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।